टीम इंडिया श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेल रही है। दो टेस्ट मैच जीतकर टीम पहले ही ये सीरीज अपने नाम कर चुकी है। 12 अगस्त से टीम इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ इस सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच खेलना है। टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज को क्लीन स्वीप करना चाहेगी, लेकिन उससे पहले मिले थोड़े से फ्री टाइम में टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों ने श्रीलंका दर्शन का प्लान बनाया। मोहम्मद शमी, उमेश यादव और रिद्धिमान साहा अपनी बीवियों को लेकर श्रीलंका के दर्शन के लिए निकल पड़े। ये खिलाड़ी पहुंचे अशोक वाटिका, जहां दुष्ट रावण ने माता सीता को कैद करके रखा था। मोहम्मद शमी ने सबसे पहले ये तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर शेयर की। वहीं उमेश यादव ने अपनी वाइफ प्राची के साथ हनुमान जी के पद चिन्हों के साथ फोटो खिंचाई। इनके अलावा ऋषभ पंत और केएल राहुल भी वहां मौजूद थे। साथ ही ईशांत शर्मा भी अपनी वाइफ प्रतिमा के साथ श्रीलंका दर्शन के लिए गए। कुलदीप यादव भी टीम के साथ श्रीलंका दर्शन करते हुए स्पॉट हुए। NMF न्यूज की रिपोर्ट।